दर्शकों को हम बता दें कि डीजीपी भूपेंद्र यादव को कुछ ऐसे इनपुट्स राजस्थान से मिल रहे थे कि राजस्थान के अंदर सड़क हादसे तेज़ी से बढ़ रहे हैं और सड़क हादसों में जो लोगों की आमजन की मौत का जो आंकड़ा है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा था, और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू किया है। और सड़क सुरक्षा सप्ताह 14 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश के अंदर चलाया जा रहा है, और इसी के तहत अजमेर शहर के अंदर आज दूसरा दिन है, और दूसरे दिन के अंदर लगातार जो लोग ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ रहे हैं, उनकी धरपकड़ जारी है। और साफ तौर पर अब सीधे तौर पर कार्रवाई जो है वो केवल केवल जुर्माने के तौर पर नहीं चल रही है, बल्कि सीधे तौर पर जो भी चालक है उसका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किया जा रहा है और ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त करने के लिए RTO को भेजा जा रहा है। ये कार्रवाई लगातार 23 अक्टूबर तक जारी रहेगी। जो हम कार्रवाई तो हमारी लगातार जारी रहती है, लेकिन हमारा PHQ से अभी विशेष अभियान चल रहा है। प्रदेश भर में सड़क दुर्घटनाओं में मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है, इस चीज़ को लेकर के इसमें कमी लाने की वजह से अभी हमारे ADG साहब यातायात और PHQ की तरफ से आदेश आए, जिसके तहत 14 से लेकर के 23 तारीख तक विशेष अभियान चला जाएगा। इस अभियान के तहत है ओवर स्पीड में चलने वाले वाहन चलाते हुए मोबाइल पर बात करना, रेड लाइट क्रॉस करना, ओवरलोडिंग जो अपने लोडिंग टेम्पो उनमें सवारी बिठाना और शराब पीकर के वाहन चलाना, विशेष इन 5 चीज़ों को लेकर के कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के तहत सभी जो उल्लंघन करता है उनका लाइसेंस लिया जा रहा है और लाइसेंस को कैंसिलेशन के लिए RTO विभाग को लिखा जा रहा है। विशेष यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस कैंसिलेशन करेंगे ताकि इन जो घटना है उनमें कमी आए, इस चीज़ को लेकर के ये अभियान अभी जारी है और इसके तहत ही हम कार्रवाई कर रहे हैं। रेट अभी जो हमारा नया केंद्रीय मोटर व्हीकल अधिनियम आया था उसके तहत अभी राज्य सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी रेटें वही हैं जो पुरानी है।